हेलो फ्रेंड्स, आई एम रूपक बंसल एडवोकेट और आज इस लेक्चर में हम आईपीसी 1860 स्टडी करेंगे। आईपीसी में टोटल 1 से लेके 511 तक सेक्शंस हैं और इन सेक्शंस को हम डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स में कवर करेंगे। आईपीसी पढ़ने से पहले एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो सेक्शंस हम रूटीन में सुनते हैं, जैसे 302, 376 एट्सेट्रा, ये वो सेक्शंस होते हैं जहाँ पे ऑफेंस की पनिशमेंट डिफाइंड है, और जो एक्चुअल डेफिनेशन है ऑफेंस की वो जनरली दूसरे सेक्शन में डिफाइन होती है। जैसे 302 में मर्डर की पनिशमेंट है और जो मर्डर एक्चुअल में है वो उसकी डेफिनेशन सेक्शन 300 में। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आज लेक्चर है आईपीसी 1860 और जिसमें सेक्शंस हैं 1 to 511। ठीक है, तो सबसे पहले हम याद करेंगे सेक्शन 302 जो डिफाइन करता है पनिशमेंट फॉर मर्डर। जनरली हम सब ने ही सुना होता है 302 मर्डर के लिए, और जो मर्डर की एक्चुअल डेफिनेशन है वो है सेक्शन 300 में। और हमें ये भी पता होता है कि जो मर्डर, और हम स्टडीज़ करते हैं तो मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में डिफरेंस को हम लर्न करते हैं। तो कल्पेबल होमिसाइड कहाँ डिफाइंड है फ्रेंड्स, वो है सेक्शन 299 में। और एक और सेक्शन इनसे रिलेटेड होता है, जब भी कोई भी एक्यूज्ड मर्डर करता है तो जनरली वो मर्डर के वेपन को छुपा देता है, तो उसमें कौन से सेक्शन एफआईआर में ऐड हो जाते हैं, वो है 201, कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस और गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर। सो चार सेक्शंस हो गए फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे, कौन कौन से, 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर, 300 में मर्डर की डेफिनेशन, 299 में कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन, और 201 जहाँ पे अगर एक्यूज ने वेपन को छुपा दिया तो कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस और गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर। सो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जब भी कोई अगर एक्सीडेंट हो जाता है, आपको पता है कोई रोड साइड पे एक्सीडेंट हो गया तो उसमें क्या क्या सेक्शन ऐड होते हैं, तो सबसे पहले तो एफआईआर में सेक्शन आता है 279 जो डील करता है रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन ए पब्लिक वे पे। और उसी के साथ अगर ये डेथ केस है जहाँ एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती है तो सेक्शन ऐड हो जाता है 304A। ए से आप एक्सीडेंट याद रख सकते हो, और ये क्या सेक्शन है, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। उसके अलावा दो और सेक्शंस एफआईआर में ऐड हो जाते हैं 279 और 304A के, वो हैं 337, कॉजिंग हर्ट बाय एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, और 338, कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। सो अगर डेथ केस है तो क्या होगा, 279 प्लस 304A, अगर हर्ट है तो 337, और ग्रीवियस हर्ट है एक्सीडेंट में तो 338 ऐड होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डोरी डेथ से रिलेटेड 304A से साथ ही है 304B, जो किससे रिलेट करता है, डोरी डेथ से। और एक और इससे रिलेटेड सेक्शन है डोरी से, वो है 498A, जो है क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, और ये रिलेट करती है डिमांड ऑफ डोरी से। तो दो सेक्शन डोरी से रिलेटेड कौन कौन से हो गए, 304A और 498A। उसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमने सबने सुना होता है कि मेरे साथ हम कहते हैं चीटिंग हो गई, 420 हो गई। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात याद रखनी है, 420 में क्या है, चीटिंग एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी और द मेकिंग ऑल्टरेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो 420 में चीटिंग और डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी है, जबकि चीटिंग एक्चुअल में कहाँ डिफाइन की हुई है, वो 415 में डिफाइन की हुई है, और चीटिंग की पनिशमेंट कहाँ पे है फ्रेंड्स, वो 417 में है। तो चीटिंग से रिलेटेड हमने तीन सेक्शन पढ़े, 420, 415 चीटिंग के डेफिनेशन, और 417 पनिशमेंट चीटिंग के लिए। उसके बाद हम फ्रेंड्स आ जाते हैं, एक जनरल सेक्शन जो हम सब ने सुना होता है वो है 376, जो पनिशमेंट फॉर रेप डिफाइन करता है। और फ्रेंड्स, जो एक्चुअल रेप की डेफिनेशन है वो सेक्शन 375 में। तो अब इसी के साथ हम कुछ सेक्शंस हम एक स्टोरी से याद करेंगे। सपोज ए एक एक्यूज ने एक गर्ल का रेप किया, और रेप करने पे कौन कौन से सेक्शन ऐड हो गए, 375 में उसकी डेफिनेशन है, और सेक्शन उसके अगेंस्ट लग जाएगा 376।
जाते जाते वो गर्ल के पर्स में से कुछ पैसे भी निकाल के ले गया। तो इसमें उसने कौन सा ऑफेंस कर दिया? थेफ्ट कर दिया, जो कहाँ है? 376 के साथ ही 378 में है वो। तो 378 में जैसे ही उसने पैसे निकाले तो कौन सा ऑफेंस हो गया? 378 थेफ्ट। और थेफ्ट की पनिशमेंट फ्रेंड्स कहाँ पे है? वो है 379 में। और उसके बाद उसने अगर उसको उसी एक्यूज ने, हम सोच लेते हैं, भागते भागते उसने उसको फिर फोन किया और डराया कि आप मुझे कुछ पैसे दो, नहीं तो मैं ये बात लोगों को बता दूंगा, और आपको ये बात सब लोगों को बता दूंगा। तो इसमें कौन सा आ गया? जो डरा धमका के पैसे लेने का है वो आ जाता है 383 एक्सटॉर्शन, और उसकी पनिशमेंट कहाँ है? 384 पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये सिक्स सेक्शंस और याद करें। 376 में पनिशमेंट फॉर रेप, 375 में रेप एक्चुअल में डिफाइंड है, और भागते भागते अगर एक्यूज्ड पर्स में से पैसे ले लेता है गर्ल के, तो 378 थेफ्ट कमिट हो जाती है, जिसकी पनिशमेंट कहाँ पे है? 379 में। और अगर एक्यूज्ड उसको डरा के, मेरे पास वीडियो है या कुछ और कह के उससे फिर पैसे मांगता है या ब्लैकमेल करता है, तो उसमें कौन सा सेक्शन ऐड हो जाएगा 379 के बाद? 383 एक्सटॉर्शन, और जिसकी पनिशमेंट कहाँ पे है? 384 में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 384 के बाद 390 में रॉबरी है, और रॉबरी की ही एक्सटेंडेड फॉर्म क्या है? 391 में डकैती। तो 390 रॉबरी, 391 डकैती। उसके बाद आ जाओ फ्रेंड्स, फिर हम एक छोटी सी स्टोरी से अगले ये सेक्शंस याद करेंगे। चंडीगढ़, जैसे आपको पता है, चंडीगढ़ और मॉडर्न सिटीज़ गुड़गांव वगैरह आजकल सेक्टर्स में डिफाइंड है, सेक्टर में बटी हुई है। तो हमारे चंडीगढ़ सेक्टर 39 में एक पुलिस स्टेशन है, और स्टोरी क्या है कि सेक्टर 39 की पुलिस ने एक बारी मेरे एक फ्रेंड को रॉन्गफुली बिठा लिया पुलिस स्टेशन में। तो 339 रॉन्गफुली अगर पुलिस वालों ने बिठा लिया तो कौन सा सेक्शन अप्लाई हो गया? 339 रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। और जब उसको रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया तो 339 के ही साथ कौन सा सेक्शन है? 340 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। और जब फ्रेंड को मेरे पुलिस स्टेशन में बिठाया तो पुलिस वालों ने उसकी पिटाई भी करी। तो पिटाई करने पे कौन सा सेक्शन हो गया? 349, जो डिफाइन करता है फोर्स को। और 349 के ही साथ सेक्शन है 350, जो डिफाइन करता है क्रिमिनल फोर्स को फ्रेंड्स। और उसके बाद पुलिस वालों ने उसे धमकी दी कि अगर आपने हमारे कंप्लेंट करी तो हम आपके बच्चों को किडनैप कर लेंगे। तो किडनैप का 350 के बाद कौन सा सेक्शन है? 359 किडनैपिंग। और 360 डील करता है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया से, और 361 किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। तो ये किडनैपिंग के तीन सेक्शंस कौन कौन से हो गए? 359 किडनैपिंग, 360 किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, और 361 किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। स्टोरी को एक बारी फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 39 सेक्टर की पुलिस स्टेशन ने मेरे फ्रेंड को रॉन्गफुली बिठा लिया। तो बिठा लिया पुलिस स्टेशन में, क्या हो गया? रॉन्गफुली, या कहीं जाने नहीं दिया। 339 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट के साथ ही है 340 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। उसके बाद उसकी पिटाई कर दी तो आ गया 349 फोर्स। फोर्स के साथ नेक्स्ट सेक्शन है 350 क्रिमिनल फोर्स। और अगर उसको, मेरे फ्रेंड को ये भी धमकी दे दी कि अगर तुमने कोई हमारे खिलाफ एक्शन लिया तो हम तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लेंगे, तो 350 के बाद आ गया 359 किडनैपिंग। और किडनैपिंग के साथ ही है 360, अगर कोई इंडिया से किडनैप करके बाहर ले जाता है तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। और 361 डिफाइन करता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। और लास्ट का सेक्शन आज का है फ्रेंड हमारा डेफेमेशन, वो है सेक्शन 499 में। और डेफेमेशन की पनिशमेंट का है वो है सेक्शन 500 में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये आज के हमारे सेक्शंस थे। तो कीप लर्निंग, थैंक यू।